बढ़ाएं अपने व्यापार को सागर टीवी न्यूज के साथ। विज्ञापन मात्र 999 रुपए प्रति माह। संपर्क करें 6260933666। नेशनल लोक अदालत में एक खुशी का मौका ऐसा भी आया जहां अलग अलग रह रहे पति पत्नी का दोबारा से मिलन कराया गया, जहां दोनों ने एक बार फिर से दाम्पत्य जीवन की शुरुआत की। हम बात कर रहे हैं सागर जिले के गढ़ा कोटा में आयोजित हुई लोक अदालत की। दरअसल पक्षकारों को जल्द और आसानी से न्याय मिल सके, इसको लेकर गढ़ा कोटा में लोक अदालत का आयोजन हुआ था। इस दौरान फौजदारी, दीवानी, चेक बाउंस, महिला उत्पीड़न और बैंक वसूली के प्रकरणों को आपसी सुलह से निपटाया गया। वहीं इस मौके पर पक्षकार शिव कुमार मेहरा और वंदना मेहरा ने दोबारा नई जिंदगी की शुरुआत की। गौरतलब है कि ये आयोजन सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली और जबलपुर हाई कोर्ट के निर्देश पर किया गया था। लोक अदालत का लाभ उठाने के लिए बड़ी संख्या में पक्षकार पहुंचे। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित कर की गई, जिसमें विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष आशीष ध्रुवे, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष जमील कुरैशी और अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे। आज नेशनल लोक अदालत में तहसील विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी आशीष ध्रुवे के निर्देशन में हम सभी अधिवक्ता संघ गढ़ा कोटा के सम्माननीय सदस्य लोक अदालत में राजीनामा योग्य प्रकरणों में उपस्थित हुए हैं और सीनियर जेपी चौधरी जी द्वारा, टीकाराम पटेल द्वारा और साथ ही अधिवक्ताओं द्वारा अनेक अनेक मामलों में राजीनामा दिया गया है और अभी राजीनामा के और अन्य प्रकरणों में सभी अग्रसर हैं राजीनामा योग्य प्रकरणों में और हमें विश्वास है कि सभी सदस्य लोक अदालत को सफल बनाएंगे। राष्ट्रीय विधिक सेवा आयोग दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा आयोग दिल्ली जिला सत्ताधीश निर्देश अनुसार नेशनल लोक अदालत तहत नेशनल लोक अदालत का आयोजन आज दिनांक 14/5/2022 को किया गया है। इसके अंतर्गत नगर पालिका के जल विद्युत ऐसे समस्त मामले, पे लिटिगेशन मामले, बैंकों के मामले निराकरण हेतु रखे गए हैं। घड़ा कोटा से रवि सोनी, सागर टीवी न्यूज। बढ़ाएं अपने व्यापार को सागर टीवी न्यूज के साथ। विज्ञापन मात्र 999 रुपए प्रति माह। संपर्क करें 6260933666।